आखिर कौन थी महाभारत काल की पांच सबसे खूबसूरत स्त्रियां जिनकी एक झलक के लिए भी तरसते थे लोग। महाभारत काल में कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिनकी खूबसूरती की पूरी दुनिया कायल थी। आइए जानें उनके बारे में कुछ बातें। दोस्तों, महाभारत काल का समय ऐसा समय था जिसे सदियों से याद किया जाता रहा है। महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य है जिसके अनगिनत रहस्यों से आप सभी अनजान होंगे। महाभारत की न जाने कितनी ऐसी विचित्र कथाएं हैं जिनके बारे में पता लगा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जहां एक तरफ यह एक रहस्य है कि महाभारत युद्ध की मुख्य वजह क्या थी और इस युद्ध के बाद क्या हुआ, वैसे ही महाभारत के युद्ध से संबंधित न जाने कितनी ऐसी बातें भी हैं जो आप सुनकर हैरान रह सकते हैं। ऐसी ही विचित्र बातों में से एक है महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में जानकारी। दरअसल महाभारत काल में कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिनकी एक झलक देखने की इच्छा सभी रखते थे। आइए जानें उस समय की सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में। एक देवी रुक्मणी। देवी रुक्मणी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से पहले स्थान पर थीं। देवी रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थीं और उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप थीं। महाभारत ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि देवी रुक्मणी सबसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री थीं। दो द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी के चरित्र के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि सभी उसकी तारीफ करते थे। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं और उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने की सोचते थे। लेकिन राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा और अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया। लेकिन जब अर्जुन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर लाए तो कुंती ने इसकी जानकारी के बिना ही द्रौपदी को पांच भागों में बांटने को कहा। इसी वजह से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाईं। तीन सत्यभामा। सत्यभामा महाभारत काल की एक और सबसे खूबसूरत स्त्री थीं। सत्यभामा और द्रौपदी बहुत अच्छी सखियां थीं। वो दोनों आपस में एक दूसरे से साथ अपने कई गुणों को बांटती थीं। चार उर्वशी। उर्वशी महाभारत की एक और सबसे सुंदर स्त्रियों में से थीं। उर्वशी इंद्र स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत स्त्री थीं। एक बार उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गईं, लेकिन अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया। इस पर उर्वशी ने अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दिया था। उर्वशी महाभारत काल में अपनी खूबसूरती के अलावा बेहद निडर होने की वजह से भी मशहूर थीं। पांच सुभद्रा। सुभद्रा महाभारत काल में श्री कृष्ण और बलराम की बहन थीं। एक समय अर्जुन सुभद्रा की खूबसूरती पर मोहित हो गए और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वो सुभद्रा को लेकर भाग जाएं, क्योंकि सुभद्रा के भाई बलराम दुर्योधन से उसकी शादी करना चाहते थे। छह गंगा गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी और महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर शांतनु ने गंगा से शादी की इच्छा रखी, लेकिन गंगा ने उनके सामने कुछ शर्तें रखीं, जिसमें पहली यह थी कि शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे, दूसरी कि वो गंगा को कभी कोई काम करने से रोकेंगे नहीं, और तीसरी कि अगर किसी भी शर्त को उन्होंने तोड़ा तो वह उन्हें हमेशा के लिए उन्हें छोड़ देच कर चली जाएंगी। महाभारत के समय की और द्वापर युग की ये स्त्रियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं और वास्तव में उनकी एक झलक लेना भी उस समय के लोगों के लिए मुश्किल था। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।